आप लोगों के पास दही है तो आज मैं बहुत ही सिंपल फेस जो मास्क है वो बनाऊंगी। इसके लिए मैं बेसन थोड़ा सा ले रही हूँ। थोड़ा सा हल्दी, आप लोगों के पास दही है तो दही यूज कर सकते हैं। मेरे पास अभी दही नहीं है, सो आई एम यूजिंग लेमन, थोड़ा सा जस्ट। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से पेस्ट। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा कलर आया इसमें। अभी मैं फेस में लगा के दिखाऊंगी, कितना देर रखना है वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। ये बहुत ही अच्छा है फेस के लिए। यहाँ आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से कलर आया है इसमें, क्योंकि मैंने थोड़ा सा हल्दी दिया था, जो कि ग्लो के लिए बहुत ही अच्छा है, स्किन ग्लो के लिए। ये आप फेस में भी यूज़ कर सकते हो एंड होल बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा स्क्रब टाइप का आप यूज़ कर सकते हो होल बॉडी पे एंड फेस में भी। सेम दोनों काम करता है, एज ए फेस मास्क भी काम करता है, एज ए फेस स्क्रब भी काम करता है। नॉट ओनली इन फेस बट होल बॉडी पे ये काम करता है। एंड आप होल बॉडी, हैंड, हाथ में, पाँव में, कहीं पे भी लगा सकते हो इसको, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है, घर का बनाया हुआ कुछ भी हो ये बहुत ही अच्छा होता है। जो हम बाहर से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो केमिकल से भरपूर होता है, एंड हालांकि इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है क्योंकि ये घर में बनाया हुआ सामान है। सो लेट मी शो यू ये कैसे लगाना है आप लोगों को। एंड ये जो फेस पैक है, मुझे बात नहीं करना चाहिए बट फिर भी मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। सो एंड ये जो फेस मास्क मैंने लगाया है बेसन का, इसे मुझे 20-15 मिनट्स रखना होगा ड्राई होने तक। अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आप लोग ये प्रोसेस देखते रहिएगा कितनी देर रखना है, कितनी देर उसके बाद मैं क्या क्या लगाती हूँ फेस पे, ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए चुप हो जाती हूँ, नहीं तो मेरे फेस में रिंकल्स आ जाएगा। 20 मिनट्स लेटर। A few moments later. And now you can see the difference. Thumbnail में भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि बहुत ही, मतलब one time use करने के बाद बहुत ही अच्छा glow आता है। And you can see the glow. नहीं तो मेरा इतना glow नहीं रहता है face पे, because I have got lots of skin problems, जैसे कि आप लोगों को दिखाई देता होगा pimples वगैरह। When I use बेसन का ये जो paste है, I mean जो mask है, ये बहुत ही अच्छा है। घर में आप 2 मिनट में ही बना सकते हो। आप लोग ट्राई जरूर से कीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो जरूर से कमेंट में बोलिएगा मेरे को। सो अभी जस्ट मैं फेस धो के आई हूँ, जैसे कि पूरा प्रोसेस मैंने दिखाया है आप लोगों को। एक बात बोलना भूल गई जो कि मैं अभी बोलना चाहूँगी, कि मैंने वार्म वाटर यूज़ किया था फेस को धोने के लिए, क्योंकि वार्म वाटर जो है स्किन को बहुत ही अच्छे से साफ करता है एंड अच्छा होता है स्किन के लिए। ज़्यादा गर्म पानी या ज़्यादा ठंडा पानी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो प्लीज़ आप लोग जब भी कोई भी फेशियल वगैरह, या फेशियल हो या कोई भी मास्क लगाओ घर के, होम रेमेडी या जो भी है, कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो फेस पे, तो प्लीज़ आई रिकमेंड कि आप लोग थोड़ा सा वार्म वाटर से फेस धो लीजिएगा। और एक बात, आफ्टर एंड अभी मैं भी अपना मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ फेस पे अच्छे से। एंड ये जो होम रेमेडी था, ये मेरी
नानी ने सिखाया हुआ, आई मीन माई ग्रैंड मॉम, क्योंकि आप लोगों को पता है, बुजुर्ग लोग को अच्छे से पता होगा मतलब स्किन के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं. तो आजकल मैं ज़्यादातर नानी की बात को फॉलो करती हूँ, चाहे वो हेयर टिप्स क्यों ना हो, स्किन टिप्स क्यों ना हो. एंड ऐसे भी आप लोगों को पता ही होगा हल्दी बेसन स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, ग्रोइंग लेमन किस मतलब कैसे काम करता है, हल्दी कैसे काम करता है, बेसन कैसे काम करता है, रोज़ वाटर, ये सारी चीज़ें मिला के इतना अच्छा ग्लो आता है फेस पे. सिर्फ एक हफ्ते में आपको 2 दिन यूज़ करने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा. इवन इन द फर्स्ट दिन ही आप अगर ये मतलब जो भी मास्क लगाओगे, ये एक दिन में आप लोग को पता चल गया. बिफोर एंड आफ्टर आप एक बार फोटो लीजिएगा एंड देखिएगा आप लोगों का फेस में ग्लो कैसे आता है. मेरा स्किन इतना अच्छा नहीं है, मैं बोलती हूँ जैसे आप लोगों को दिखाई देता होगा ब्लॉग्स में, बट स्टिल आई एम फॉलोइंग माई नानी का प्रोसेस जो नानी बोलती है. सच में वो बहुत ही हेल्दी होता है स्किन के लिए. एंड अभी थोड़ा बहुत सुधार आया है स्किन में, इसीलिए मुझे बहुत पसंद है ये फेस मास्क जो है. मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ. दादी ने सिखाया था ये टिप्स जो फेस ग्लो के लिए, क्योंकि मैं इतना सारा प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ एंड मेरे स्किन का बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, तो मेरे को ये टैनिंग पड़ता है क्योंकि मैं धूप में अम्ब्रेला यूज़ नहीं करती हूँ गर्मी के टाइम में ज़्यादा. तो एंड एक्नी प्रॉब्लम्स क्योंकि मैं बहुत सारा जो ऑयली फूड्स खाती हूँ, फास्ट फूड वगैरह. तो इसीलिए आप लोग जब भी स्किन केयर रूटीन बनाते हो तो प्लीज़ हेल्दी फूड्स खाइए, बॉइल्ड खाना खाइए एंड ऑयली फूड बिल्कुल ना खाइए. ये मैं बोल रही हूँ बट मैं तो ये करती हूँ, ऑयली फूड वगैरह खाती हूँ, इसीलिए मेरा स्किन इतना अच्छा नहीं है. बट थोड़ा बहुत अभी बहुत सुधार आया है क्योंकि आई एम टेकिंग बहुत अच्छे से मैं स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ. तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ. तो ऐसे ही आप लोग भी अगर आप लोगों को भी कुछ टिप्स होगा आप लोग के पास तो कमेंट में जरूर से शेयर कीजिएगा. एंड ये जो टिप्स रहा, आई गेस आप लोगों को अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा होगा देन पता ही आप लोगों को क्या करना है. तो ढेर सारा ऐसे प्यार बनाइए रखिएगा एंड जरूर से शेयर कीजिए मेरे ब्लॉग को और ढेर सारा प्यार दीजिएगा. ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय.